नमस्कार, मैं विवेकानंद चौरसिया आज आपको डायस्कोरिया एलाटा और डायस्कोरिया बुल्विफेरा के बढ़ते हुए पौधों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें ग्रोथ और मूवमेंट किस तरह से होता है। हमने कुछ दिन पहले ही डायस्कोरिया प्लांट के बुलविल को ज़मीन में बोया है और वर्षा के कारण उसका जो है डोरमेंसी पीरियड जो है भंग हो गया और उसमें से नए एरियल शूट बाहर निकल रहे हैं। ये शूट जो है निगेटिवली गियोट्रॉपिक हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्लाइंबर हैं और ये दूसरे सपोर्ट पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने क्लाइंबर से चिपक करके कैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। आप डायस्कोरिया प्लांट का नया शूट देख रहे हैं जो बुलविल से डेवलप हुआ है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं डायस्कोरिया प्लांट को, यह निगेटिवली गियोट्रॉफिक होता है अर्थात ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है और अपने सपोर्ट के पास आता है और जैसे ही सपोर्ट के पास आता है तो यह थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट दर्शाता है। जैसा कि आप जानते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जब कोई प्लांट ऑर्गेन अपने सॉलिड सपोर्ट के पास आता है, यह जीएल का पौधा है और यह एक सॉलिड सपोर्ट का काम करता है जिस पर इसको क्लाइम करना है। आइए देखते हैं कैसे क्लाइम करता है। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में यह इसका सॉलिड सपोर्ट है और इस सॉलिड सपोर्ट के साथ यह ऊपर की तरफ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसको देखेंगे। यह सॉलिड सपोर्ट जो है इसके लिए स्टिम्यूल का काम करता है, जैसे इसका स्टेम इसके कांटेक्ट में आता है तो संपर्क वाले भाग का जो है ग्रोथ रुक जाता है और अपोजिट साइड का ग्रोथ तेज हो जाता है और इस तरह से यह अपने सहारे के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो डायस्कोरिया प्लांट का जो है इसके अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग विशेषताएँ होती है। कुछ पौधे में क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और कुछ पौधे में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं पौधा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसका ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है, धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ आप डायस्कोरिया प्लांट को देख रहे हैं, इन सभी पौधों में जो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है सब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, अर्थात ये सभी सबके सब पौधे एक ही स्पीसीज के हैं। डायस्कोरिया वंश के कुछ जातियों में क्लॉकवाइज ऊपर ग्रोथ होता है और कुछ जातियों में एंटी क्लॉकवाइज ग्रोथ होता है और अलग अलग जाति में ये बढ़ने का तरीका अपना अपना है। अगर इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो पौधा के ग्रोथ पर काफ़ी उल्टा प्रभाव पड़ता है और पौधा के का जो है वह भाग बढ़ना रुक जाता है। अपने डोरमेंसी पीरियड को तोड़ करके जब इसके बुलबिल से नया एरियल शूट डेवलप होता है तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसके स्टेम में सांप के तरह गति करता हुआ दिखाई पड़ता है भाग। डायस्कोरिया एक क्लाइंबर पौधा है और
इस प्लांट की यह विशेषता है कि इसमें ना तो स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है, ना ही लीफ टेंड्रिल पाया जाता है, ना ही किसी प्रकार का ऊपर चढ़ने के लिए हुक पाया जाता है। सिर्फ यह अपने थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट के द्वारा ही ऊपर की तरफ बढ़ता है। यहाँ आप डायस्कोरिया प्लांट के बढ़ते हुए पौधे को देख रहे हैं, यहाँ भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यह ऊपर की तरफ अपने सपोर्ट से चिपकता हुआ बढ़ रहा है। यहाँ देखिए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गति करता हुआ ऊपर की तरफ पौधा साफ दिखाई पड़ता है, गति नहीं कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। डायस्कोरिया एलाटा के इन नए नए पत्तों का उपयोग जो है लीफी वेजिटेबल के रूप में किया जाता है और इनका जो है कचरी या बचका बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। डायस्कोरिया प्लांट का जब ग्रोथ होता है तो यह काफ़ी द्रुत गति से बढ़ता है, अर्थात काफ़ी रैपिडली यह ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जिस तरह से हम फिजिक्स में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को देखते हैं, गति को देखते हैं, मोशन को देखते हैं, उसी तरह से कुछ पौधे जैसा कि आपने देखा डायस्कोरिया प्लांट का, वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट को दर्शाता है। और आज हमने डायस्कोरिया प्लांट के ग्रोथ और मूवमेंट को देखा। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया।